इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। कोल्हापुर शहर के बीचों बीच ये 1400 साल पुराना मंदिर भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये मंदिर है कोल्हापुर का प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर, जिसे अंबाबाई मंदिर भी कहा जाता है। ये शक्ति के रूप में देवी को समर्पित 108 शक्ति पीठों और मंदिरों में से एक है। लेकिन हर साल इस मंदिर में आने वाले लाखों लोगों में से कुछ ही को इसके साथ जुड़ी एक रोचक कथा के बारे में मालूम है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से विवाह किया था। दक्ष इस विवाह के विरुद्ध थे और उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर बाकी सभी भगवानों को आमंत्रित किया। पति के इस अपमान से नाराज होकर देवी सती ने दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया, जिससे विश्व का विनाश होने लगा। इससे डर के अन्य भगवानों ने विष्णु भगवान से इस विनाश को रोकने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने सती के शव पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिसके वजह से शव के विभिन्न अंग भारत के कई हिस्सों में गिरे। इसमें से एक अंग कोल्हापुर में गिरा, जहां ये मंदिर बना हुआ है। सन 1730 में लिखे गए कोल्हापुर महात्म्य धार्मिक ग्रंथ के अनुसार राक्षस कोल्हासुर स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा था। तब लोगों की रक्षा के लिए यहाँ देवी आईं। देवी ने राक्षस को हरा दिया, लेकिन राक्षस की अंतिम इच्छा थी कि इस जगह का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह इस जगह का नाम कोल्हापुर पड़ा। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजाओं ने 7वीं सदी में करवाया था। उस समय यहाँ चालुक्य राजा शासन करते थे। प्राचीन काल से कोल्हापुर दो कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहली वजह ये थी कि ये जगह बहुत उपजाऊ थी, और दूसरी कि कोंकण और दक्कन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग यहीं से होकर गुजरता था। इन्हीं कारणों से कोल्हापुर शहर एक राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। मूल मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक कर्णदेव ने सन 634 में करवाया था, लेकिन बाद में सन 1182 के आसपास ही इसका महत्व तब बढ़ा जब कोंकण के शिलहारा राजवंश ने कोल्हापुर को अपनी राजधानी बनाया। शिलहारा कोल्हापुर देवी महालक्ष्मी की पूजा करते थे और उनके खिताबों में एक खिताब था श्रीमान महालक्ष्मी लब्धक वारा प्रसादा, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे महालक्ष्मी का वर प्राप्त हो। समय के साथ सत्ता में आने वाले शिलहारा शासकों ने मंदिर परिसर का और विकास किया। 14वीं सदी के बाद शुरू हुए हमलों के बाद मुख्य मंदिर उजाड़ हो गया और किसी एक पुजारी ने देवी की मूर्ति अपने घर में छुपा कर रख ली, ताकि इसे नष्ट होने से बचाया जा सके। ये मूर्ति कई सदियों तक छुपी रही, लेकिन 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी के पुत्र और उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी ने उसी मंदिर में मूर्ति को फिर स्थापित करने का आदेश दिया। यहाँ तक कि मंदिर में एक बड़ा घंटा भी लगवाया, जो उन्होंने सन 1683 में गोवा पर किए गए हमले में हासिल किया था। दिलचस्प बात यह है कि घंटे पर आज भी लैटिन भाषा का अभिलेख मौजूद है। ये घंटा आज भी कोल्हापुर टाउन हॉल में देखा जा सकता है। कोल्हापुर शहर और प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर ने इतिहास के एक नए दौर में तब प्रवेश किया जब छत्रपति शिवाजी की बहू महारानी ताराबाई ने सन 1709 में कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। कोल्हापुर के महाराजाओं ने अंबाबाई मंदिर के पास अपने महल, नगारखाने और भवानी मंडप बनवाए और मंदिर परिसर में कई काम करवाए। आज 1400 सालों के बाद भी कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर की वही वैभव और शान है जो पहले कभी हुआ करती थी।